हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ टेक टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का टॉप 5 जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसे आप करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो मैं अभी टॉप 5 स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, जिसमें किसी ना किसी आप स्कॉलरशिप में एलिजिबल हो जाएंगे। और आप स्कॉलरशिप अगर फिलअप करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इंडिया का सबसे अच्छा जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके बारे में, जो कि है नेशनल स्कॉलरशिप। तो नेशनल स्कॉलरशिप के मैं सारा का वेबसाइट दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, तो आपको यहाँ पे अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए है, ठीक है, और माइनॉरिटी यानी कि ऑल जो माइनॉरिटी रिलीजन है उसके लिए है स्कॉलरशिप है। और यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड लास्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8-9 स्कॉलरशिप हैं सेंट्रल स्कीम में। इसी तरह आ जाएंगे UGC स्कीम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, MHRD जो होता है उसके में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। ईशान उदय, PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप जो है, सिंगल चाइल्ड जो स्कॉलरशिप जो मिलती है वो आपको यहीं से फिलअप करना है। तो आप देख लेंगे अपने हिसाब से कि आप पे कौन सा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, उसी के हिसाब से यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे मैं डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, हमेशा बनाता हूँ इस नेशनल स्कॉलरशिप पे, तो वो भाई आप देख सकते हैं कि कैसे आपको फिलअप करना है। और इसका जो अप्लीकेशन ज़्यादातर जो आता है वो जुलाई में आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपको इस स्कॉलरशिप सारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टेट में अगर आप स्टेट स्कॉलरशिप फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे स्टेट जो भी मैक्सिमम जो स्टेट है इंडिया के, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे स्टेट के स्कॉलरशिप। ये आप यहीं से फिलअप कर सकते हैं अपने स्टेट का स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे और आप फिलअप कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जो भी आपको एलिजिबल आप हैं जिस स्कॉलरशिप स्कीम में वो आप फिलअप कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे वेबसाइट है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसको AICTE बोलते हैं, इंडिया का ये भी गवर्नमेंट जो है वो वेबसाइट है जो स्कॉलरशिप देती है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे और यहाँ पे स्कीम पे क्लिक करके स्टूडेंट डेवलपमेंट स्कीम पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PG स्कॉलरशिप, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आप कर रहे हैं और गेट क्वालिफाई हैं, ठीक है, गेट या GPAT, तो यहाँ पे आप अगर गेट क्वालिफाई करके MTech या ME में एडमिशन लिया है, MArk में या MPharma में, तो आपको हर मंथली आपको 12,400 रुपया आपको स्कॉलरशिप स्टिपेंड के तौर पे दिया जाएगा हर महीने, अगर आप गेट क्वालिफाई किए हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो। दूसरे यहाँ बात करते हैं नेशनल डॉक्टरेट फेलोशिप की, तो यानी कि आप अगर डॉक्टरेट कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन के लिए। और यहाँ पे थर्ड जो है प्रगति स्कॉलरशिप है, जो कि इंडिया में जो है ये 4,000 स्कॉलरशिप हर साल देती है, 4,000 स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, और जो कि प्राइस जो होता है स्कॉलरशिप का वो होता है 30,000, ठीक है। यहाँ पे दूसरा तीसरा जो है वो है सक्षम स्कॉलरशिप, जो है यहाँ पे भी सेम अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंटों को मिलता है वो 1,000 स्कॉलरशिप होते हैं, 1,000 स्टूडेंट को मिलता है, मिलेगा 30,000 हर साल जो ये स्कॉलरशिप जो बांटी जाती है स्टूडेंटों को। आप इसके बाद आते हैं प्रेरणा स्कॉलरशिप में, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो स्कॉलरशिप है वो है SC ST स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं,
इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो है समृद्धि स्कॉलरशिप, ठीक है। ये भी जो स्कॉलरशिप वो भी SC ST स्टूडेंटों के लिए है, जो कि स्टार्टअप्स के लिए फंड भी किया जाता है इस स्कॉलरशिप में। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इस स्कॉलरशिप को आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है सपोर्ट टू स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन एब्रॉड। उसके अलावा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी है, जो कि ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंटों के लिए है, ठीक है। जो भी जम्मू एंड कश्मीर के जो भी वहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसके बाद यहाँ पे और देख सकते हैं, और 3-4 स्कॉलरशिप यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आप एक एक को आप देख के अवेल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप मैं आपको बताऊंगा वो है सीताराम जिंदल फाउंडेशन। ये जो हर साल स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करती है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 11th 10th पास कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप पढ़ाई अगर फर्दर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप फिलअप कर सकते हैं। जो ये भी मंथली आपको पे करेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली अमाउंट आपको देगी 500, ठीक है, अगर आप 11th और 12th में हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, बॉयज़ के लिए 65% और गर्ल्स के लिए 60%, ठीक है। और जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उनके लिए है 75%, गर्ल्स के लिए 70% और वेस्ट बंगाल के लिए है 70%, गर्ल्स के लिए 65%। उसके बाद यहाँ पे 11th 12th के बाद आप ग्रेजुएशन का भी कोर्स अगर कर रहे हैं, बीकॉम बीएससी या जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, साइंस से, तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको स्कॉलरशिप फिलअप करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिलअप करने हैं सारे डिटेल्स, और फिलअप करके आपको इसको स्कॉलरशिप को जो है फिलअप करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे 4 को फॉर्म है, ये सारे फिलअप करने होंगे। उसके बाद आ जाते हैं 4th जो स्कॉलरशिप है वो है कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जो कि कोलगेट की तरफ से है, जो हर साल ये भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। और इसमें जो बता दूं, अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और जो 10th में आपके अगर 75% है तभी इस स्कॉलरशिप को आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं जो भी है, अगर आप 75% लाते हैं तो यहाँ पे जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आप प्रोग्राम अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं कीप इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 60% चाहिए ग्रेजुएट, अगर आप 12th में 60% है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए भी है, अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4 साल का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 30,000 मिलेंगे पर ईयर 4 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बताया है फॉर्म फिलअप, अगर ये जो आप अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं ये तो खुला हुआ है 31 जुलाई तक, ठीक है। और अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो मेरा डिटेल्स वीडियो है, इस पर मैंने बनाया है कुछ दिन पहले, तो आप उसको देख सकते हैं और फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे है वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। साइंस के स्टूडेंट हैं जो साइंस में अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनके लिए है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसमें अगर आपके 10th में 75% आए हुए हैं, यानी कि मैथ और साइंस में सिर्फ, ठीक है, कंबाइंड जो भी मैथ साइंस मैथ और साइंस को कंबाइंड में 75% हैं आपके, तो और तो आप ये फिलअप कर सकते हैं। जहाँ पे SC ST की बात करें तो यहाँ पे SC ST के लिए सिर्फ 65% चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको 11th 12th करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 11th में आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में आपको जो मिलेगा स्कॉलरशिप वो मिलेगा आपको 5,000 पर मंथ, ठीक है, स्टिपेंड दिया जाएगा 5,000 पर मंथ। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर MSc कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 7,000 दिया जाएगा पर मंथ। तो इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं, जब आएगा ये स्कॉलरशिप तो आपको
चेक करना होगा, या मैं नोटिफिकेशन या वीडियो बना दूंगा इस स्कॉलरशिप पे जो भी मैंने बताया है, ठीक है। तो आप देख कर अब फिलअप कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से कि किस स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हैं। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।